मेरा नाम तुफैल शिनवारी है और मैं KPK खैबर एजेंसी लंडीकोतर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ। बचपन से शौक था, स्कूल टाइम से खेल रहा हूँ। स्कूल टूर्नामेंट मैंने खेले, वहाँ पे टूर्नामेंट हमने जीता था, उसमें मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आया था। उसके बाद मैं लोकल खेलता था अपने गांव में लंडीकोतर में। जो गांव वाले लोग थे तो मुझे फ़ुटबॉलर के नाम से बुलाते थे कि तुफैल फ़ुटबॉलर आ गया, तुफैल फ़ुटबॉलर आ गया, तो उससे शौक और भी बढ़ गया। लेकिन मैंने जब पाकिस्तान के हालात को देखा तो फेडरेशन फीफा ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल को बैन किया था उस टाइम पे, तो मेरा हौसला टूट गया था। मैंने कहा फ़ुटबॉल किस तरह खेलोगे अगर फेडरेशन बंद है, तो मैंने फ़ुटबॉल को बस छोड़ने वाला था कि मैं छोड़ूंगा, कुछ काम करूंगा, क्योंकि शौक़ तो बहुत ज़्यादा था लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। बस मैं इधर उधर काम ढूँढ रहा था अपने गाँव में। तो उसके बाद मुस्लिमेंट के ट्रायल हुए थे, तो अल्लाह ताला ने एक और ज़रिया बनाया मेरे लिए। दो हज़ार 2021 में ट्रायल हुए थे मुस्लिमेंट के, जो स्टील चाइल्ड वर्ल्ड कप होता है हर 4 साल के बाद, उसके लिए पाकिस्तान टीम के लिए ट्रायल हुए थे, पूरे पाकिस्तान में हुए थे, और मैंने वो ट्रायल दिए थे नौशेरा में, और मैं वहाँ पे सेलेक्ट हुआ था। स्टील चाइल्ड वो बच्चे होते हैं जिसमें टैलेंट बोल होता है, उसके साथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो पाकिस्तान में स्टील चाइल्ड पर काम कर रही है, मुस्लिमेंट कर रही है, मैदान प्रोजेक्ट है उसका। स्टील चाइल्ड मुस्लिमेंट पाकिस्तान टीम के साथ मैं गया था कतर दोहा में, वहाँ पे स्टील चाइल्ड वर्ल्ड कप था। मैंने स्टील चाइल्ड वर्ल्ड कप में 12 गोल किए थे। पाकिस्तान टीम के लिए ने मैंने पहला हैट्रिक किया था हमारे वर्ल्ड कप में। पहला हैट्रिक सूडान के ख़िलाफ़ था, दूसरा कतर के ख़िलाफ़ था, तीसरा बोस्निया के ख़िलाफ़ था। उसके बाद मैंने तंजानिया के ख़िलाफ़ भी एक गोल किया था, और ब्राज़ील के ख़िलाफ़ भी पेनल्टी किक में गोल किया था, और इजिप्ट के ख़िलाफ़ भी किया था। मैंने टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट था, वो एजाज़ भी मुझे मिला है गोल्डन बूट का। हम जब स्टील चाइल्ड के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, तो सुबह हम फिज़िकल ट्रेनिंग कर रहे थे, 6 किलोमीटर रनिंग करते थे ट्रैक पे, 6 किलोमीटर हम रनिंग करते थे। उसके बाद जो फिज़िकल एक्सरसाइज होती है, हम शाम को जो है ग्राउंड पे जाते थे, पिच पे फुटबॉल के साथ ट्रेनिंग करता था। तो हम 2 टाइम ट्रेनिंग करते थे, एक फ़ुटबॉल के करते थे, एक फ़िज़िकल फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करते थे। लोकल खेलने में और इंटरनेशनल खेलने में, प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेलने में बहुत फ़र्क होता है। लोकल जब आप खेलोगे ग्राउंड भी अच्छी नहीं होते, जितना लोकल खेलते हैं लोग ना, वहाँ पे ग्राउंड कोई ग्राउंड नहीं, पत्थरों का ग्राउंड होता है। और प्रोफेशनल खेलोगे, इंटरनेशनल सतह पे खेलोगे, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे ग्राउंड होते हैं, अच्छा फैसिलिटी मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म जब आपको मिलता है तो आप अच्छा फील करोगे। मैं अपने गांव की बात करूँगा लंडीकोतर, वहाँ पे तो ना अच्छे ग्राउंड है, ना वेरीफाइड कोचेज है। जब मेरे 2021 में ट्रायल हुए थे मुस्लिमेंट की तरफ से, तो मुस्लिमेंट का एक अपना एक प्रोजेक्ट है मैदान, उसमें फुटबॉल है, तो उसने आज़ाद कश्मीर में एक ग्राउंड बनाया है, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बनाया है। हमारा 1 साल वहाँ पे कैंप रहा, हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग होता था, प्रॉपर डाइट मिलता था, और एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड था, तो हम बहुत मैच्योर हो गए। हर प्लेयर को आगे जाने के लिए बहुत चीज़ों का ज़रूरत होता है। पहले मैं बात करूँगा एक अच्छी कोच की, उसके बाद मैं बात करूंगा अच्छी फैसिलिटी की। हर चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि अच्छी ग्राउंड होगी, अच्छी शूज़ होंगे, अच्छे किट होंगे, तो फिर वो आगे जा सकता है। वो जज्बात बहुत अच्छे जज्बात होते हैं जब आपका सीने पे पाकिस्तान का झंडा होता है और आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो। मेरा ज़िंदगी में वो दिन बहुत खुशी का दिन था, मैं बहुत खुश हुआ था जिस दिन हमारा फर्स्ट मैच था सूडान के ख़िलाफ़, और हम ग्राउंड में उतरे और नेशनल एंथम लगा, मैंने दिल पे हाथ रखा, तो बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन की, और वो मैच हमने जीता भी है। मैं HBL PSL का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसके साथ साथ मैं कैंडम व्हील का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी स्टोरी दुनिया को सुनाने के लिए।